भाई हरीगिरी बेच रहे बंदे कुछ नहीं भाई जाना बंदे पजल है जिसको नहीं पता भाई 2K किसे बोलते हैं 2K बोलते हैं 2000 सब्सक्राइबर भाई 2000 हमारे सब्सक्राइबर करा दो हमारे 1800 कुछ हो चुके हैं चलिए तू मेरा रोज कमल तो आज भाई लोगों मैं काम है भाई फिर से अगेन बैंक में बिकॉज भाई कल जब हम बैंक गए थे ना तो एक थोड़ा सा काम था छोटा सा जो कि नंबर लिंक कराना था वो हमारा रह गया था तो आज जब मैं घर पे आया तो मुझे याद आया मैंने कहा कि कल का काम जो नंबर लिंक करवाना था वो तो हमने कराया नहीं आज हमें फिर से 2 मिनट जाना पड़ेगा पहले बैंक में वहाँ से नंबर लिंक कराना देन भाई कहीं हो चलेंगे ठीक है तुम्हारे लिए ब्लॉग करने बाकी चलते हैं बाकी यार गर्मी इतनी तबाही पड़ रही है भाई साहब मैं फिर भी नहीं कहा तुम्हारे लिए बात तुम देख ही पा रहे हो बड़ी ज़्यादा गर्मी है भाई साहब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मजाक से हट के भाई बड़ी ज़्यादा गर्मी है सो गाइस अभी बाय कर दिया वहां पार्क में चलते अभी बैंक के अंदर तुम्हें मिलते हैं भाई काम करने के बाद ए फ्यू मोमेंट्स लेटर सो फाइनली गाइस अभी हम निकल चुके हैं बैंक से भाई बैंक में का अपना नंबर लिंक कराना था भाई मेरे नंबर से ऑलरेडी 3 खाते चल रहे हैं भाई तुम मान सकते हो भाई एंड ये खड़ी है भाई साहब अपनी बाइक मेरे यहां भाई ये 4 है ओए आना इतना से निकल एटीएम से सो फाइनली गाइस ये खड़ी अपनी बाइक बड़ी खतरनाक तरीके से पार्क में मैंने खड़ी करके तो पीछे भाई ट्रक वाले खड़े हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है निकालनी पड़ेगी अरे अरे हम निकालेंगे भाई भाई तो भाई तुम काफ़ी दिक्कत चल रहा है अरे तो मैं इसे पता है कल का हमने अपने बैग पूरे से वो जो लगा लिए हैं अब कोई प्रॉब्लम है पिछले बंदे को बैठने की भाई सब यहाँ पे ट्रक देख रहे भाई और मेरे कैमरे के एंगल थोड़ा ऊपर क्यों है यार नीचे करो अब ठीक है अरे भाई साहब सामने तुम देखी पड़े हो टॉप खड़ी है ये सही सीन है यहाँ का नहीं भी यार निकल रहा है कोई नहीं तगड़ा वगैरह पीछे वगैरह तो भाई ट्रक क्या हीट छोड़ रहा है पीछे से भाई साहब सीरियस दूर है बड़ी दूर है यहाँ पे Next day. So good morning guys. आज है भाई साहब day 2 और कल तो मुझे पता है कल हम गए थे भाई बैंक के कुछ काम से सो मेरा ना कुछ नंबर का काम था मेरा नंबर लिंक नहीं हो रहा था तो उसका कुछ मसला था तो कल वो भी जगह सॉल्व कर लिया सो अब हमारा फुल पावर बैंक का सारा सो जो भी मसला था सब सॉल्व हो गया और हम कल के भाई साहब घर आ गए थे और मैंने कल की व्लॉगिंग नहीं की बिकॉज भाई कल मैं सीधा वहाँ पर मार्केट में गया और इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना तो मैं सीधा वहाँ से घर पर आ गया सो मैंने व्लॉगिंग रास्ते में की नहीं सो कल का व्लॉग हम कर रहे हैं भाई साहब आज कंटिन्यू और आज तुम्हारे भाई ने रेड शर्ट पहनी है सब बताना कमेंट करके तुम्हें कैसे लग गया मैंने फर्स्ट टाइम रेड शर्ट पहनी जब से मैं पैदा हुआ ना सच बता रहा जब से पैदा हुआ हूँ आई थिंक मैं स्टार्टिंग में पहनता था रेड शर्ट जब मैं छोटा था और अब मैं बता रहा हूँ जब तक मैं मोटर व्लॉगिंग में आया हूँ ना मतलब जब मैं यूट्यूब में आया हूँ फर्स्ट टाइम रेड शर्ट है फर्स्ट टाइम सो बताना कमेंट कर तुम्हारा कैसा लग रहा है बाकी चल जाए तो मैं सीधा मिलता है भाई साहब मोटर व्लॉगिंग सेटअप पे एंड आज हमने जाना भाई थोड़ा बहुत बाइक का काम कराने सो जब से भाई मैंने बाइक का शॉकर अपना आगे रिपेयर कराना उसके शॉकर रिपेयर करने के बाद मेरी बाइक में भाई पता नहीं क्या हल्की हल्की प्रॉब्लम से आ रही है अगली ब्रेकिंग को लेकर सो वो भी जाकर सॉल्व करवानी है सो लेट्स सी चल के देखते हैं भाई क्या बनता अगली ब्रेकिंग है क्या नहीं बनता बाकी तुम बने रहे ब्लॉग में ब्लॉग को भाई साहब स्किप मत किया करो फुल ब्लॉग देखा करो बाकी तुम्हें मिलता है मोटर व्लॉग सेटअप पे तू नखरे कर दी रह गई तेरी सहेली नंबर आ गई नीचे तो देखो क्या लिखा मेला फिर लगेगा गुज्जर फिर आएगा गुज्जर के ना उठली भाई ये बंदा ना भाई मेला का फैन है मतलब मेला के लिए ज़्यादा फिर नहीं आया तो कोई लिखा है सभी वहाँ छोटा भाई हीरा नगर में क्लाउडी ना भाई बादल छाया ऊपर तुम देख ही पा रहे हो मतलब ऐसा लग रहा है कि आज की बारिश आने वाली है तो आगे बारिश भी अच्छे मेरे लिए भाई बिकॉज यहाँ पे
भाई बड़े दिनों से बारिश नहीं पड़ी है, तो मैं भी कहता कि बारिश आनी चाहिए, ठीक है ना। बारिश आए तो थोड़ा सा मौसम है जो ठंडा हो जाए, बाकी अगर बारिश आ जाए ना तो मेरी बाइक पूरी गंदी हो जाएगी, मेरी बाइक छोड़ मेरी ना पूरी पीछे से बैग गंदी हो जाएगी, पीठ जिसे बोलते हैं। तुमने मेरे ब्लॉग में देखा होगा बड़ी देर से मैं वीली मारने में नहीं दिखोगी, आज हम यहाँ से मारेंगे प्यारी सी वीली। अभी यहाँ से थोड़ी बहुत बकचोदी करने के बाद हम निकल पड़े यहाँ से, और भाई जब मैं दोपहर को यहाँ पे आता तुम देख ही पा रहे थे कितनी ज़्यादा गर्मी थी, और मैं तो मैं बता भी रहा था कि आज बारिश मेरे ख्याल से आ भी जाएगी, और वैसा ही हुआ भाई, तुम देख पा रहे हो। पर अभी बारिश कहीं जगह रुकी है, और अभी टाइम बज रहा है भाई 4, तो मैं यहाँ पे 12 बजे जाऊँगा, अभी 4 घंटे ना यहाँ पे मैंने वेस्ट कर दिया अपने। तो बारिश का इंतजार कर रहा था कि जब बारिश रुकेगी फिर मैं घर को जाऊँगा, और अभी भी ना थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ रही है, मतलब थोड़ी सी फुहार पड़ रही है, तो अभी जल्दी से घर चलना पड़ेगा भाई साहब, वरना आज फिर से हम भीग जाएंगे। और आज तुम्हारा मैंने रात करी भाई, ये मैंने डेली की तो भाई क्या है, ठीक है। सो फाइनली भाई साहब जिस चीज़ का डर था ना भाई वही हुआ, मतलब एकदम देखिए पर बारिश पड़ना स्टार्ट हो चुकी है, और तुम्हारा भाई ना भी 20-30% ना भी भीग ही चुका है, तो मेरा मन करा यहाँ पर वेट कर लूँ, बट जब तक वेट करूँ क्या तो बारिश ज़्यादा ना पड़ जाए। और तुम ऐसे पता है जिस चीज़ के बारे में कहा था, मतलब सड़क गिली नहीं होती है, और सड़क तुम देखी पड़े पूरी की पूरी सड़क अभी गिली पड़ी है, तो गिली सड़क पर ना भाई बाइक दौड़ाने का मज़ा बिल्कुल नहीं आता, बिकॉज भाई तुम्हारी जो टायर है चिपक नहीं चलती रोड के साथ, थोड़ा बहुत फर्क होता है, ठीक है अच्छे से ना भाई। अरे ये कार गया भाई, मैं पबजी की कार नहीं आती जैसे तुम देखे हो। तो फाइनली गाइस अभी मैं चुके हुए अपनी ट्रैफिक वाली जगह पे, यू कैन सी गाइस पर ना पीछे पूरा जगह खाली थी, बट इस एरिया में आ गए, यहाँ पे ना ट्रैफिक स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से अगर ट्रैफिक स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से पता नहीं क्या दिक्कत है, ट्रैफिक यहाँ से स्टार्ट होता है, बिकॉज तुम देखिए ये सड़क आती है भाई सांबा से, तुम ये सड़क देखी पा रहे हो, ये सांबा से यहाँ तक आती है, तो तुम देख सारी गाड़ियाँ वहाँ पर जा रही है, तो इसी कारण अरे ये कहाँ पर रहा है, इसी कारण भाई यहाँ पर तुम्हें ट्रैफिक अब जैसे जैसे आगे बढ़ता जाओगे ना भाई, वैसे वैसे ही ट्रैफिक जहाँ पर ना भाई ज़्यादा हो जाएगा, और अब आगे एक चौक आने वाला है, उस चौक में तो भाई पूछो मत कितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा भाई, तो बाकी तुम पुल के ऊपर दिखाते हैं व्यू पुल का, ठीक है। और अभी हम खड़े हो जाएगा भाई साहब पुल के ऊपर, यू कैन सी भाई, तो मैं ना पुल दिखाता हूँ भाई एकदम, तो मैं इस पुल के ऊपर ना पहली बार खड़ा हुआ भाई, मतलब पहले होता था बट आज बारिश में पहली बार हुआ, ठीक है। तो तुम ऊपर का व्यू देखी पा रहे हो, यहाँ पे ना बड़ी बार यहाँ पे ना पानी का लेवल ज़्यादा हो जाता है इस पुल पे, तो यहाँ पे कमी होता है, ऊपर का पुल है जो वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो अभी मैं भाई साहब यहाँ से निकल चुका हूँ पुल के ऊपर से, तुम देख ही पा रहे हो कितना मज़ा आ रहा है भाई पुल के ऊपर बाइक चलाने का भाई, कच्चा मेरी तरफ देख रहा भाई इतना घूम फिर के, मुझे कच्चा की समझ नहीं आ रही भाई, भाई यहाँ पे ना मज़ा बढ़ा था स्कूल का पता नहीं क्या चक्कर है, पहले ना ये भाई बना नहीं था और अब भाई बन गया, और अब इसको चलने का ना मज़ा बढ़ा था भाई, और भाई साहब तुम ट्रैफिक देखिए बाहर कुछ ट्रैफिक वाली जगह पे, तो जैसे मैंने तुम्हें चेका था ना पुल पे, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें ट्रैफिक यहाँ पे ना तेज़ होता जाएगा, यहाँ पे भाई हरी गिरी बेच रहे बंदे, कुछ नहीं भाई जाओ अपनी बात कर रहा हूँ, अरे भाई बंदे कहता हाँ। सो भाई यहाँ पे देखे भाई ट्रक से ट्रक एकदम एक से एक ट्रक चल रहा है यहाँ पे भाई, तो मैं गलत साइड नहीं आ गया, मुझे उस साइड से जाना चाहिए था भाई, उस साइड से जाना चाहिए था, मैंने भी हम यहाँ से भी चले जाएंगे भाई, तुम बस देखते चलो अपने बाइक का कमाल, ठीक है। मैं भाई थोड़ी सड़क स्लिपरी है तो वही ना बगा रहा हूँ भाई, थोड़ा नीचे मैं फिर से शौक शौक करके ना यहाँ से निकाल लूँगा, उसका शौक जैसे भी हो सके गाड़ी, ओ भाई ये तो नीचे को बुलाने यार भाई, ये गलत है यार, अगला बंदा भाई बेच रहा भाई सड़क पे कुछ, तुम इसे ऐसे बुला रहे हो, तुम इसे बुला, मैंने पता नहीं किसको बुला रहा हो करके, अगला भाई इससे बुला रहा है बेचारे को, वो जो सड़क पे बेच रहे ना यार उनको बदतमीजी से उनसे पेश आना यार, गलत बात है भाई, तुम्हारे पास पैसा है तो दुनिया के पास ही पैसा है, अकेले के पास पैसा नहीं है भाई, जो तुम इतना अहंकार रहे हो पैसा में पैसा पैसा, तो मैं देखे हैरान बंदे के पीछे ना उसकी मम्मा बैठे हैं, पर बंदा इतनी मतलब क्या बोलूँ इतनी गंदी तरीके से बंदा उसे कहता हो, मतलब वो करके सब कर रहा है बंदा, ये गलत है भाई, पर सामने भाई तुम भाई भाई स्प्लेंडर वालों ने गलती की, हमके पीछे पीछे ना भी वहाँ से निकल रहा भाई।
और भाई जो आज बाइक का काम था ना, अगली ब्रेक का रिलेटेड जो काम था, मतलब अगली ब्रेक ना थोड़ी कम लगती थी, तो कम नहीं लगती नहीं थी यार, तुम ब्रेक मारो विद इन कोई 2-3 सेकंड के बाद ब्रेक रिस्पॉन्स देगी तुम्हारे। तो मैंने वो जाके भाई दिखाई भाई मैंने बंदे को, तो बंदे के जैसे बंदे ने भाई ट्राई मारी ना मेरी बाइक की, तो मान सकते हो ब्रेक अपने आप ठीक हो गया, अपने आप कोई जरूरत नहीं पड़ी उसे यार। तो बंदा कहता भाई ब्रेक ठीक है, तू क्या काम होगा पंगे ले रहा है। मैंने कहा भाई दे मैं ट्राई मारूँ। फिर जब मैंने ट्राई मारने गया भाई सच्चा में ब्रेक ठीक होगी, मैंने कहा भाई तूने क्या किया, ऐसे खुद ही ठीक होगी। तो बंदा कहता भाई मिस्त्री का हाथ है फुल लगते ही सही हो जाते हैं। मैंने कहा भाई वो भी सही बात है, तो मतलब ब्रेक ऑटोमेटिक खुद ब खुद ठीक होगी, ब्रेक कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे डर रहा था कि मेरे पैसे लगेंगे थोड़े बहुत, और ब्रेक जो ब्रेक पैड था ना वो भी मतलब आधे घस गए हैं, वो भी नए डलवाने हो गए, पिछले तो भाई पूरे खत्म है, वो भी हम डलवाएंगे जल्दी। बाकी बाइक की सर्विस भी आ गई, वो भी हम बहुत जल्द करवाएंगे, ठीक है, बहुत जल्द मतलब कल परसों करवा लेंगे। एंड बाइक का जो अगला फ्रंट टायर है वो भी खराब है, खराब मतलब खत्म हो गया, वो भी डलवाना है। मतलब इस महीने ना मैं तुम्हें बता रहा हूँ बड़ा खतरनाक वाला खर्चा आने वाला हमारी बाइक पे, तो मैं डर रहा हूँ भाई कसम। मेरे खुद गूगल अकाउंट में इतना पैसा नहीं है भाई, मेरे खुद के बैंक अकाउंट में इतना पैसा नहीं है भाई, जितना बाइक पैसा मेरे से मांग रही है भाई। मतलब क्या बताऊँ मैं, बाइक जिस बंदे के पास बाइक ना उसे बता भाई बाइक के खर्चे किसे बोलने हैं, सबसे बड़े खर्चे बाइक के होते हैं बता। तुम लड़की पाल लो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम बाइक रख लो ना, तुम लड़की पाल लो वो भी चलेगा भाई, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त पाल लो वो भी चलेगा, बट तुम बाइक रख रहे हो ना, बाइक को पालना सबसे मुश्किल का काम है भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, सबसे मुश्किल काम है बाइक को पालना। दूसरे दिन से तुमने कोई ना कोई बाइक काम मांगती है, और विदाउट तेल तो बाइक चलेगी नहीं, ठीक है। बाइक सबसे ज़्यादा पैसा बाइक इन्वेस्ट करती है, बाइकर लाइफ यार सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है बाइकर लाइफ में, बताया भाई बाइकर लाइफ ये चीज़ है। बाकी यार आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, होप तुम्हें आज का ब्लॉग अच्छा लगा, अगर तुम्हें आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा देन लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी मिलता है तुम्हें किसी ऐसी अच्छी वीडियो में, बाकी हम जल्दी से भाई हमारे ना 2K करवा दो भाई, बड़े बंदे पजल है, जिसको नहीं पता भाई 2K किसे बोलते हैं, 2K बोलते हैं 2000 सब्सक्राइबर भाई, 2000 हमारे सब्सक्राइबर करवा दो, हमारे 1800 कुछ हो चुके हैं, जल्दी से हमारे 2000 करवा दो, बाकी फिर तुम्हारे लिए फुल बाबर तबाही व्लॉग लाएंगे। बाकी भाई तुम्हें मुझे पता भाई जब मैं मोटो व्लॉगिंग करता हूँ मेरी आवाज़ कम आती है मुझे, मैं भी ये चीज़ से बड़ा परेशान हूँ भाई, जब मैं एडिटिंग करता हूँ ना तो मुझे खुद भी कुछ सुनाई नहीं देता। बाकी मैंने भाई माइक अडैप्टर ऑर्डर पर लगा दी है, अगर आ जाएगा तो सही है, तो मैं आवाज़ में हमारी फ़र्क दिख जाएगा जब मोटो व्लॉग होता हूँ। अब तो मुझे पता आवाज़ अच्छी आ रही है, बिकॉज अब कोई विंड नॉइस नहीं पीछे, जब मोटो व्लॉग सेटअप होता है मुझे पता था आवाज़ थोड़ी बेकार रहती है, अभी मुझे पता है चलो तब भी कर लो एडजस्ट, ठीक है। बड़ी जल्दी भाई हम लाएंगे भाई वो क्या बोलते हैं माइक अडैप्टर खरीदेंगे भाई, सस्ता हो ना बंदा फिर भी खरीद ले भाई, 5000 का 4500 का अडैप्टर है कौन खरीदेगा। फिर भी चलो मैंने बैंक अकाउंट से थोड़े बहुत पैसे निकलवा के थोड़ा सा मतलब इन्वेस्ट करके ले लिए, मतलब ऑर्डर भी डाल दिया, होपफुली अगर सही से आ गया तो तुम्हें आवाज़ में फ़र्क दिख जाएगा, अगर नहीं आया तो भाई फिर से यही चलेगा जैसे पहले चलता था। बाकी यार तुम्हें मिलता है किसी अच्छी से ऐसी वीडियो में, बाकी टेक केयर गाइस, लव यू सो मच, बाय गाइस।